नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। आइए जानते हैं इस वक्त की कुछ मुख्य खबर। सासाराम के महालक्ष्मी नगर में हरितालिका तीज को लेकर सुहागिन महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं सुबह से ही पूजा की तैयारी एवं व्रत त्योहार में लगी हुई है। अपने पति की लंबी उम्र दीर्घायु होने की कामना को लेकर सुहागिन महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। आस्था यह है कि शिव पार्वती के इस पूजन मात्र से ही सुहागिनों को सफल दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। हर विवाहित महिलाएं इस तीज व्रत को करती हैं। सासाराम में भी पूरी श्रद्धा भाव से यह तीज का पर्व मनाया जा रहा है। विद्वान पुजारी द्वारा तीज की व्रत कथा सुनाई जा रही है। बता दें कि 24 घंटे के इस निर्जला व्रत के प्रति महिलाओं में आस्था है। जिस तरह से भगवान शिव तथा उनकी अर्धांगिनी पार्वती का दाम्पत्य जीवन था, वैसा ही दाम्पत्य जीवन हर विवाहित महिला चाहती है। मान्यता यह भी है कि अगर कुमारी कन्या इस व्रत को करती है तो मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। रोहतास से जिला ब्यूरो चीफ हरिओम चौबे की रिपोर्ट। तीज व्रत जो है ऐसा व्रत है जो सौभाग्य को देता है, जिसमें शिव और पार्वती की पूजा होती है। इसलिए जो है आपको सौभाग्य के लिए, उसे सौभाग्य के लिए, अच्छा के लिए और सुखी संपन्नता के लिए प्रार्थना करते हैं। और वह जो तीज की पूजा है वहाँ सभी लोग इसको इतिहास जो है बैठ कर सुनती हैं। हालांकि ये पूजा तो है बहुत महान पूजा है, जिससे सारे सुख आपको प्राप्त होते हैं, अन धन जनपद से परिपूर्ण होते हैं। आप जो इसलिए आप पूजा करती हैं, सौभाग्य रहती है जन्मों जन्मांतर तक, वो सौभाग्यवती रहती है जो इसलिए पूजा करती हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना, न सोचना है।